जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज का विषय भूतों के बारे में जो भूत बाधा लगता है और जो तंत्र में सबसे सामान्य समस्या आपके सामने आती है कि, कि किसी को भूत प्रेत की बाधा हो गई भूत पे प्रेत दूर करने का मैंने बहुत सारा मंत्र बताया है विधान बताया है लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये होते क्या है बिना समझे किसी चीज का उपचार नहीं हो सकता है हम दो विषय में बात कर रहे हैं एक भूतों के बारे में एक प्रेतों के बारे में पहले भूत भूत और प्रेत में अंतर क्या होता है भूत वो होता है जो कभी इस पृथ्वी पर स शरीर चला हो और मृत्यु के बाद भी उसके सोचने और सच समझने की साथ में भावनाओं की जो शक्ति है वो उसके साथ रह जाती है तो बिना शरीर का भी वो बिल्कुल ही सशरीर व्यक्ति की तरह सोचता और समझता है कौन बनता है भूत भूत दो श्रेणी में आते हैं एक जो जान के भूत बनते हैं और एक वो जो अनजान में भूत बनते हैं जान के भूत वो बनते हैं जो चाहे तो किसी वस्तु से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो अर्थात लालची हो और दूसरे वो जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुकर्म किया हो इस जीवन में और उनको ऐसा समझ है कि अगर वो दूसरे तरफ जाएंगे दूसरे डायमेंशन में जाएंगे या दूसरी जिंदगी में जाएंगे तो उनको बहुत कष्ट होगा अंग्रेज़ी में एक कहावत है अ रास्कल लिविंग इज अ रास्कल डेड मतलब जो बदमाश होता है जीवन में वो मरने के बाद भी बदमाश होता है और जैसे दूसरा वो है जो कि किसी वस्तु से अटैच है जिसने पूरे जीवन में एक घर को अर्जित किया हो या फिर एक, एक किसी सामग्री को अर्जित किया हो या किसी चीज़ का उसको दीवानापन हो जैसे एक केस था हमारे पास उसमें एक औरत थी उसको अपने सोने से बहुत ज़्यादा आकर्षण था तो वो सोने के ज्वेलरी के साथ ही उसको लोगों ने दफना दिया लेकिन न, जो कब्र खोद रहे थे उन्हें बड़ा लालच आया कि इतना धन और जेवरात अगर उन्हें मिल जाए तो बड़ा उनका काम हो लेकिन उनको नहीं पता था कि जो साथ थे जो परिवार वाले थे उन्होंने कुछ सोच के ही पूरे जेवर के साथ दफन किया था इन्होंने जेवर निकाल दिया उसके बाद जो भूत बाधा उनको हुई तो उनके परिवार का एक आध लोगों को लेके गई और बाद में उनका उपचार हुआ दूसरे वो होते हैं जो बदमाश होते हैं उनको कोई मतलब नहीं है उनको पता है कि आगे जाएंगे तो हो सकता है उनको दंड मिले तो वो एक जगह पे स्थापित हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ जो भी आएगा उसको परेशान कर ये एक प्रकार हुआ दूसरा प्रकार वो होता है जिनको पता नहीं होता है कि मृत्यु करना क्या है देखो जब कोई किसी की मृत्यु होने वाली होती है ना तो उसको पूर्वाभास होता है ठीक है आयुर्वेद में बताया जाता है कि एक साल पहले से शरीर लक्षण दिखाने लगती है कि अगर आपकी मृत्यु होने वाली है तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं और मरने के 45 दिन के आसपास से लोगों को ये समझ में आने लगता है कि उसको अब इस शरीर को छोड़ करके आगे के सफ़र में जाना है और आगे क्या करना है ऐसा उनको दिखता है कहते हैं कि जो पूर्वा जाते हैं वो भी आके उनसे मिलते हैं लेकिन जो अचानक से मर गया जो कार एक्सीडेंट में मर गया जिसकी हत्या हो गई या जिस जिसका कोई दुर्घटना हो गया वो जब मृत होता है पहले तो उसको पता नहीं चलता है कि वो मृत है वो लोगों के साथ बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई उससे बात नहीं करता ठीक है वो पूरे फ्रस्ट्रेशन में रहता है आप समझो कि अगर आप किससे सब बात कर रहे हैं अचानक सब लोग बात करना छोड़ दें तो आपको कैसा अनुभूति होगा और उस चलते वो बड़ा एग्रेसिव हो जाता है लेकिन उसमें सोचने समझने की शक्ति और भावना दोनों रहती है सिर्फ शरीर उसके पास नहीं रहता है ये दो प्रकार का भूत होता है तीसरा प्रकार वो होता है जो आपने सुना होगा कि एक महल में साल में एक बार कुछ घटनाएं हो रही है भानगढ़ में ऐसा बोला जाता है कि भानगढ़ में रात में साल में एक बार पूरा भानगढ़ जो किला है और जो साथ में एक गाँव है वो जागृत हो जाता है ऐसा माना जाता है तो उसमें होता क्या है कि जो इमोशनल एनर्जी होता है लोगों का वो आसपास के चीजों में बस जाता है और वो साल में एक बार खुद को रिप्ले करता है ऐसी स्थिति में वह उस जगह को डिमोलिश करके फिर से बनाने से वो बाधा दूर हो जाती है लेकिन आज का हमारा विषय है कि अगर किसी के शरीर में प्रवेश हो जाए तो फिर उसका क्या होता है कैसे होता है शरीर में प्रवेश तो सबसे पहले भ्रांति मैं आपके यहाँ ये तोड़ूंगा कि भूत कभी भी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते भूत कभी भी शरीर के अंदर नहीं घुस सकते जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है जिससे लोग आइडिया लेते हैं भूत का काम है कि आपके आसपास रह के आपके विचारों को भ्रमित करें ये कैसे होता है का जो दिमाग है जो आपको आइडिया आता है वो आपके आसपास के इन्वायरमेंट से आता है आप जब बहुत खुशनुमा इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है कोई बहुत गमगीन इन्वायरमेंट में जाता है आपको दुख होता है रूम का लाइट बंद करिए तो एक, एक एक से एक नेगेटिव विचार आएगा अगर आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करेंगे बहुत रोशनी वाली जगह पर बैठिएगा तो बहुत नेगेटिव विचार भी पॉजिटिव होने लगता है वो क्या है वो आपके आसपास का जो और है आभा मंडल उसमें जैसे एनर्जी का प्रवेश होगा वैसे ही आपको थॉट्स आते हैं तो ये जो आत्माएं होती हैं शरीर में ना प्रवेश करके आपके आभा आभा मंडल में प्रवेश कर जाती हैं अगर ये बहुत डिप्रेस्ड सोल है बहुत दुखी सोल है ठीक है तो वो चाहती है और एग्रेसिव सोल है तो वो चाहती है कि आप खुद को नुकसान पहुंचाएं। और उसके बाद ये अपने हिसाब से आपको सोचने पर मजबूर करती है देखो इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है जिस पर किसी भी तरीके का आ, बाधा नहीं है उसको एक ब्लेड दे करके बोल दो कि तुम अपना हाथ काट लो तो वो नहीं काट सकता है उसको वो डर है उसको पता ये शरीर मेरा है मैं इसको हानि नहीं पहुंचाऊंगा लेकिन जब वो दिमाग किसी और के कंट्रोल पे होता है जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है ये भी एक बात है कि अगर किसी पे भूत बाधा है तो सबसे पहला साइन उसका डिप्रेशन ही होता है एक्यूट डिप्रेशन होता है और अंत में सुसाइड होता है तो जिस पर ऐसा प्रभाव हो जाएगा उसका दिमाग उसकी तरह ना चल के अगले की तरह चलेगा ठीक है अब आप पूछोगे तब तो जब शरीर के बाहर रहता है तो लोगों का आवाज़ कैसे बदलता है उसमें शक्ति कैसे आती है आंखों का रंग कैसे बदलता है ठीक है जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हो कि आंख का रंग बदला हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे कारण है जो हमारा शरीर है समय और टेक्नोलॉजी के साथ हम इस पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम अपनी शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं जैसे आज के डेट में हमारे पास कार है हवाई जहाज है लेकिन एक समय था और एक समय छोड़ो आज भी जो साधु है वो एक शहर से दूसरे शहर पैदल चलता है ठीक है आपको मैं बोल दूं कि एक शहर से तुम्हें दिल्ली से मुंबई पैदल जाना है तो बोलोगे क्या बात करे गुरु जी ऐसा थोड़ी होता है लेकिन हमने समय के साथ अपनी शक्तियों को बांध लिया है जब शरीर इस दिमाग के बंधन से मुक्त होता है तो वो शक्तियाँ खुल जाती हैं तो एक इंसान में जितना शक्ति है वो पूरा उसको यूज़ करता है और हमारे शरीर में और हमारा जो सिस्टम है उसमें ये दोनों व्यवस्थाएँ हैं साइकोलॉजी के हिसाब से जिसमें आपका आवाज़ भी बदल सकता है और आपका आँख का रंग भी बदल सकता है अब दूसरा प्रेत होता है प्रेत वो होता है जो कि सशरीर होता है प्रेत किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता है लेकिन अंतिम ऐसा कब हुआ है वो रिकॉर्डेड है 1932 के आसपास में उसके बाद कोई भी प्रेत का किसी के शरीर में घुसने का रिकॉर्ड नहीं है अगर किसी को किसी के आसपास ऐसा कोई घटना हो कि भूत बाधा हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए अगर किसी में भूत बाधा हो जाए ठीक है अच्छा प्रेत बाधा अगर होगा तो वो किसी के शरीर के ना होकर घर पे होगा वो उसको तंग करने की कोशिश करेगा ये ये सब होता है किसी में किसी पे अगर भूत बाधा हो तो सबसे पहले अंधेरे से उसको दूर रखना चाहिए अंधेरा उसके पास नहीं होना चाहिए उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए उसके आसपास लोग पॉजिटिव बातें करें ठीक है भजन गाए ठीक है इससे उसके दिमाग पर बड़ा असर होता है कैसे असर होता है मैं बताता हूँ जब कोई भूत बाधा होती है तो उसके दिमाग में नए नए आइडियाज़ देता है कि तुम ऐसे खुद को तंग करो ये लोगों को तंग करो खुद को ऐसे हानि पहुंचाओ लोगों को हानि पहुंचाओ ये ठीक वैसे ही है जैसे कि शुद्ध सात्विक आदमी अगर पहला दिन जाके शराबियों के बीच में बैठे तो वो शराब नहीं पिएगा वो बोलेगा ये गलत चीज़ है मत पियो दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन हो सकता है पंद्रहवें दिन वो बोले अच्छा थोड़ा सा टेस्ट कराओ कैसा होता है और तीसरे दिन वो पूरा बेवड़ा हो जाए क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ बैठता है ठीक वही सिद्धांत भूतों के साथ भी चलता है कि ये सिर्फ आइडिया देते हैं लोगों को दूसरा कभी भी सीधे बंधन नहीं करना चाहिए किसी को अगर भूत बाधा हो तो ठीक है पहला काम है कि उसके ओरा से भूत को हटाना ये हवन एकमात्र माध्यम है जिससे ये होता है क्योंकि हवन का काम है एयर को प्यूरीफाई करना एनर्जी को प्यूरिफाई करना दूसरा तरीका इसका यह है कि क्रिस्टल के माध्यम से जो भी ओरा में इम्प्योरिटी है उसको हटा दिया जाए क्रिस्टल जो होता है जो अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं उसका रॉड्स आता है उसको इथर्नल स्वीप कहते हैं मतलब कि कुछ भी अलौकिक है तो उसको वो झाड़ू की तरह जो है वो झाड़ देता है ठीक है उससे उसको साफ करना चाहिए हवन में व्यक्ति को बैठा करके उसे कर उसको नमक पानी या कॉफी मिले हुए पानी से नहला दीजिए ठीक है।, है इतना करने के बाद बाधा व्यक्ति से हट जाता है ठीक है हो सकता है एक बार में ना हटे दूसरी बार में हटे तीसरी बार में हटे चौथी बार में हटे उसको उसके बाद एक कवच दीजिए और घर को फिर से साफ करके उस घर का बंधन करना चाहिए देखो जिसको कुछ नहीं आता है जो कोई तंत्र मंत्र नहीं जानता है वो भी ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक गायत्री मंत्र से कर सकता है गायत्री मंत्र बहुत प्रभावी मंत्र है इसके लिए अगर आपको गायत्री आपके पास है तो फिर आपको दूसरा किसी भी तंत्र मंत्र की का जरूरत नहीं है हाँ दूसरा जिस घर में ऐसी बाधा आती रहती हो उसके घर उस घर में शंखनाद की व्यवस्था होनी चाहिए करताल और शंखनाद ऐसे घरों में बजाना चाहिए अब बात आता है जहां पे प्रेत बाधा हो तो क्या करना चाहिए जिस घर में प्रेत बाधा हो भूत बाधा ना हो ठीक है जहाँ शरीर प्रेत खुद को दिखाते हो जो कांड करते हो ऐसे किसी भी जगह पर आप खुद उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं ऐसे किसी भी घर को आपको किसी एक्सपर्ट को बुला करके एक्सपर्ट कहने का मतलब है जो तांत्रिक या फिर अघोर विधि से इसका समाधान करना जानता हो बंधन करना जानता हो ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए खुद से इन सब चीज़ों में कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए आज के लिए इतना ही उम्मीद है कि आप लोगों में से किसी को इन सब जानकारियों को प्रयोग करने की जरूरत ना पड़े जिनको बेसिक साधना सीखना है आसन बंधन दिशाबंधन ये सब जो गुरु मंत्र से पहले अघोर में आता है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव डायरेक्ट बात करने के लिए अपने आप कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल स्टोर से और गूगल प्ले से उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च करिएगा तो मेरा नंबर आएगा इसके अलावा आप डायरेक्ट भी मुझे मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वेबसाइट पर आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश